नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी जो इसका सिर्फ पिक था, हम वीडियो बना नहीं पाए थे, सिर्फ पिक का ही हमने वीडियो बना के अपलोड किया था। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा था भाई इसमें कुछ फॉल्ट है क्या, ऐसा आपने सिर्फ फ़ोटो डाला हुआ आप चलाते हुए डालिए। तो आज वो लोग के लिए बढ़िया न्यूज़ है कि आज हमने चलाते हुए, दौड़ाते हुए, खेलते हुए, सब करते हमने वीडियो बना दिया इसका। तो बेफिक्र होकर आप ले सकते हैं, हमारे पास इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं है और बिल्कुल एकदम फ्रेश फीमेल है और यंग फीमेल है बिल्कुल। ये थर्ड हिट आने वाला है, फर्स्ट हिट सेकेंड हिट हमने छोड़ दिए है और इस हिट में हम मैट कराएंगे, अगर सेल हो जाए तो अच्छी बात है, ना हो तो हम इस बार इसके बच्चे कराने का सोचें। और एक मिनट अभी देख रहा तो दोस्तों ये थोड़ी सी डरती है मेरे से। आमतौर पे मेरे यहाँ सभी कुत्ते मेरे से थोड़े से डरते हैं क्योंकि इंजेक्शन वगैरह मैं ही लगाता हूँ, तो जो इनमें थोड़ा नेचुरल डर होता है। हाँ, अभी तो इजहार नहीं होने दे रही है, बट फटती तो है इसकी तो दोस्तों ये हमारी फीमेल है, बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत प्लेफुल है और एग्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। किसी भाई को अगर ब्रीडिंग के लिए चाहिए, वैसे ये ब्रीडिंग के पर्पज़ की ही फीमेल है ये, अगर किसी भाई को ब्रीडिंग के लिए चाहिए तो आप बिल्कुल इसे रख सकते हैं। और डिलीवरी दोस्तों ऑल ओवर इंडिया रहेगा, जहाँ बात ना बेटा, डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया रहेगा। और हमारा जो अभी करंट लोकेशन है जो जहाँ पे फीमेल है, तो ये कोरबा का छत्तीसगढ़ का कोरबा शहर है और ये हमारी फीमेल है। एक्चुअली दोस्तों हम कभी इसको बांध के नहीं रखे और थोड़ा सा ज़्यादा समय भी नहीं दे पाते, तो इस वजह से थोड़ा घबरा रही इस तरह से इसको चेन लगा के रख रहे हैं। तो फीमेल बहुत अच्छी है, थोड़ी सी कॉम्पैक्ट साइज़ की है और हमारे आसपास भी अभी के टाइम में थोड़ा अच्छा मेल आ गया है। हमने वैसे प्लान किया था लास्ट टाइम पे इसका मैटिंग कराने का फ्रेड से, फ्रेड जो कि इंपोर्ट डॉग है, पहले कपिल भैया के पास था, उसकी भी पिक मैं आपको डाल दूंगा। तो फ्रेड से मैटिंग का हमने डन किया था, बट थोड़ी सी किस्मत ख़राब रही, जब ये ऑन हिट चल रही थी तब फ्रेड की डेथ हो गई हार्ट अटैक में। तो अभी के टाइम पे हमारे पास इतना आसपास है बहुत अच्छा मेल नहीं है, है अच्छा मेल बट फ्रेड जैसा मेल नहीं है। फ्रेड जैसा मेल तो मेरे ख्याल से पूरे स्टेट में नहीं है अभी हमारे, तो अगर उससे मैटिंग हो जाता या वो मेल अभी रहता तो हम इसे कभी सेल करने का नहीं सोचते, क्योंकि हमको वैसा ही बच्चा चाहिए था। और दूसरा सेल करने का रीज़न ये है दोस्तों कि हम प्रॉपर सिर्फ रॉटवाइलर में ही काम करते हैं, तो हमारे पास अभी गिनती के दूसरे डॉग हैं, एक डॉबरमैन है और एक अमेरिकन बुली है और एक जर्मन शेपर्ड है। तो ये रीज़न है दोस्तों हमारे पास, वो भी सेल पे है। अगर किसी को शेपर्ड के अलावा अगर बुली चाहिए तो अमेरिकन बुली भी है हमारे पास, और अगर डॉबरमैन चाहिए तो डॉबरमैन भी है हमारे पास। तो उनकी इच्छा, मतलब कस्टमर की इच्छा, जो भी लेना चाहे, हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। एक सेकेंड दोस्तों, टाइम कितना हो? तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों इसका, इंट्रोडक्शन वीडियो। और थोड़ी सी बारिश का मौसम, आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बादल किया हुआ है, तो इस वजह से हम नहला भी नहीं पा रहे। अगला वीडियो जो बनाएंगे बढ़िया, हम नहला धुला के कंघी मार के बनाएंगे ताकि फीमेल आपको और सुंदर लगे, वैसे ऑलरेडी बहुत सुंदर है ये तो आप लोग में से कोई भी व्लॉग देख रहा है और अगर उसको ये फीमेल पसंद आती है तो फेंक नहीं सर, तो वो लेने को अगर इच्छुक हो तो आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास रॉटवाइलर के बच्चे भी हैं, अगर आपको पपी चाहिए तो आप पपी भी ले सकते हैं, शेपर्ड के भी पपी अवेलेबल है हमारे पास। तो हमारे पास दोस्तों शेपर्ड के भी पपीज अवेलेबल है, डॉबरमैन के भी अवेलेबल है, तो आप लोगों को जो बेहतर लगे आप उसके लिए कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को पपी चाहिए तो पपी है, एडल्ट चाहिए तो एडल्ट है। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको ठीक लगा होगा, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।